हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो 29 दिसंबर 2020 के शिफ्ट वन जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसको खत्म हो चुका है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं हम इस वीडियो में देखते हैं, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट वन 29 दिसंबर 2020 का है। अगर आपका क्वेश्चन एक आया हुआ था, जीएसटी किस तरह का टैक्स है, जीएसटी किस तरह का टैक्स है, तो ये जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर रहे हैं। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, भारत में लागू जो हुआ है 1 जुलाई 2017 में होता है। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली है और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन है। एक क्वेश्चन आया था तेलंगाना के गवर्नर कौन है, गवर्नर से और मुख्यमंत्री से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना के गवर्नर हैं तो तमिल सुंदर साई राजन हैं। यूपी और एमपी की बात करें तो यूपी यूपी के जो इस टाइम गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। ये मध्य प्रदेश का भी कार्यभार संभाल रखी है। राजस्थान के जो हैं कलराज मिश्र हैं। बिहार के फागू चौहान हैं, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम के दृष्टि से। आरबीआई के गवर्नर हैं तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर पर। उर्जित पटेल के यहाँ पर इन्होंने जगह लिया। आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के। आरबीआई की जो स्थापना होती है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है। हेडक्वार्टर जो होता है इसका मुंबई मुंबई में है। और जो पहले भारतीय थे गवर्नर वो सीडी देशमुख थे, और जो पहले गवर्नर हैं वो ऑसबोर्न स्मिथ रहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था भूटान की कैपिटल है, तो ये पूछा गया कल अजरबैजान से पूछा गया था, तो आप लोग बताइए अजरबैजान की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो भूटान का कैपिटल है, तो भूटान का कैपिटल जो है थिम्पू है। लाइम वाटर क्या है, तो लाइम वाटर बुझा चूना या चूने का पानी, जिसका जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्रॉयस। इसका सूत्र, तो जो लाइम वाटर जो होता है वो चूना पानी होता है, या O2 से अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जो कि अंडे का छिलका में भी पाया जाता है, बहुत सब चीज़ों में, कई चीज़ों में लगभग पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक क्वेश्चन पूछा था कुंडकुलम नाम की विद्युत परियोजना, कल का क्वेश्चन है। कुंडकुलम नाम की विद्युत परियोजना तो ये तमिलनाडु में है। सांची स्तूप के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं क्या पूछा गया था। तो सांची स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था, ये मध्य प्रदेश में है। और शायद ये पूछा गया था यूनेस्को में कब शामिल हुआ, यूनेस्को के विश्व धरोहर साइट में कब शामिल हुआ, तो सांची स्तूप जो है वो आपका यूनेस्को में 1989 में शामिल हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी आया था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुए थे, शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया था, ये कल पूछा गया था, आज कुछ पूछा गया था कंफर्म नहीं है, पर जो भी है हम पूरे डाटा इसमें कर लिया गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में जो हुए थे वो गुवाहाटी असम में हुए थे, 10 से 22 जनवरी ये चला था, जिसमें फर्स्ट रैंक आया था महाराष्ट्र का आया था, सेकंड रैंक आपका हरियाणा का आया था, थर्ड रैंक आपकी दिल्ली की आई थी। 2019 में जो यूथ गेम हुए थे वो पुणे में हुए थे। 2018 जो पहला संस्करण था यूथ गेम्स 2020 का वो दिल्ली में हुआ था। एक अन्य क्वेश्चन आया पूछा गया था संविधान दिवस कब होता है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट होता है, तो 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्वराज की मांग सबसे पहले की गई थी, स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी, तो स्वराज की सबसे पहली मांग जो की गई थी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने इसकी मांग की थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी, तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। इसमें इन्होंने एक समीकरण दिया E=mc². जापान के पीएम हैं, तो जापान के सिंजो अबे ने अभी हाल ही में स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब जो है यहाँ के पीएम हैं योशिहिदे सुगा हैं, और यहाँ की जो मुद्रा है वो येन है। खोज के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था कि शायद प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज जो है वो ई गोल्ड स्टीन और रदरफोर्ड ने टर्म दिया, और प्रोटॉन में जो धन आयन है उसकी खोज इन्होंने ई गोल्ड स्टीन ने की। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा, ये अगर ई गोल्ड स्टीन ऑप्शन रहता तो वो राइट आंसर होगा, रदरफोर्ड रहेंगे। अगर न्यूट्रॉन की खोज आपसे पूछा जाए तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, और इलेक्ट्रॉन की खोज जो की वो जीजे थॉमसन ने की। एक क्वेश्चन आया था PMKBY योजना क्या है, PMKBY योजना क्या है, तो PMKBY योजना जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। इसकी शुरुआत जो हुई 2015 में हुई, और यह एक स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है। एक अन्य क्वेश्चन पूछा गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो 11 अक्टूबर 2014 को होती है। लोकनायक की उपाधि से जाने जाने वाले बिहार के जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर यह होता है, या जिसमें एक सांसद एक ग्राम को गोद ले उसका विकास करेगा। कोस्का की खोज किसने की पूछा गया था, कोस्का की खोज किसने की, तो कोस्का की खोज जो आपने की वो रॉबर्ट हुक ने की। इनकी एक फेमस पुस्तक है, वो भी पूछा जाता है काफी बार एग्जाम में, तो माइक्रोकॉफियन इनकी पुस्तक है। न्यूक्लियस की खोज की बात करें, अगर पूछा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो न्यूक्लियस की खोज जो करते हैं रॉबर्ट ब्राउन करते हैं। स्पर्म RBC और प्रोटोजोआ की खोज एंटनी वैन लुइनहॉक ने की। माइक्रोबायोलॉजी खोज भी एंटनी वैन लॉक ने ही की थी, इनके पिता कहे जाते हैं। ATP क्या है, तो ATP आपका एडोसिन डाइफॉस्फेट होता है, या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है, या माइक्रोकांडिया में बनता है ATP जो आपका। पित्रस कहाँ बनता है, तो पित्रस आप जो आपका है वो लिवर में बनता है, यकृत में बनता है, और ये पित्र गाल ब्लेडर पित्ताशय में आकर संग्रहित होता है। ये आपके ड्यूडेनियम में वसा के पाचन में सहायक होता है पित्रस आपको।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कुछ पूछा गया था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो उसकी शुरुआत हुई 1991-92 में हुई। सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को मिला चेस और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, जिसकी जो प्राइज मनी होती है बढ़ा दिया गया है। अब इसकी जो प्राइज मनी हो गई वो 25 लाख हो गए 2020 से। और जो 2020 में जिन्हें जिन्हें मिला, तो विनेश फोगाट को मिला रेसलर हैं, रोहित शर्मा को मिला क्रिकेटर हैं, रानी राम को रामपोल को मिला हॉकी हैं, और मरियप्पन थंगा वेलु को मिला पैरा एथलीट हैं, और मनिका बन्ना टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इनको मिला यह पुरस्कार। सेल के सीईओ के कौन है, तो सीईओ से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सेल के सीईओ कौन है, तो सेल के जो सीईओ हैं वो अनिल कुमार हैं। चंद्रयान से कुछ क्वेश्चन आया गया था, शायद ये कौन सा लैंडर इसको लेकर गया था, तो चंद्रयान की बात करें तो GSLV MK3 MS जो इसका था लैंडर था, 22 जुलाई को ये 22 जुलाई को इसकी लैंड वो स्टार्टिंग हुई थी, और लैंडिंग जो इसकी 7 सितंबर 2009 को हुई थी। चंद्रयान 1 जो भेजा गया था वो 2008 में भेजा गया था, चंद्रयान 2 जो भेजा गया था वो 2019 को भेजा गया था। STTP का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था। प्रोटोकॉल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप प्रोटोकॉल को जरूर पढ़िए क्योंकि TCS का फेवरेट टॉपिक है प्रोटोकॉल। तो STTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। हाइपर टेक्स्ट ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो प्रोटोकॉल होते हैं, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का क्या फुल फॉर्म होता है पूछा जा सकता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP का बात करें तो FTP जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फुल फॉर्म होता है। फैट का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो फैट का फुल फॉर्म जो होता है फाइल एलोकेशन टेबल होता है। फिल्मफेयर अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, कल भी पूछा गया था, तो फिल्मफेयर अवार्ड 2020 में जो सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले, गली बॉय को मिले 13 अवार्ड मिले, इससे पहले जो सर्वाधिक मिला था ब्लैक मूवी को मिला था, जैसे 11 अवार्ड मिले थे। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो जॉय एक्टर को मिला गली बॉय के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट को मिला गली बॉय के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करें तो रणबीर सिंह को मिला गली बॉय के लिए। सुरेश्वर मंदिर कहाँ है, ये सुरेश्वर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो सुरेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो सुरेश्वर मंदिर जो है वो असम कामाख्या में है, असम के आप कामाख्या में है आपका सुरेश्वर मंदिर। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि अटल सुरंग जो पहले रोहतांग सुरंग था, नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है, इसकी शुरुआत कब होती है, तो 3 अक्टूबर 2020 में, या हिमाचल प्रदेश में, और आपकी मनाली और लेह को जोड़ता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील है। शिव भोजन योजना कहाँ की है, तो शिव भोजन योजना जो है महाराष्ट्र सरकार की है, यहाँ पर आपको 10 रुपये में भोजन भोजन मिलेगा गरीबों के लिए है। बाबर के पिता का क्या नाम रहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री में, तो बाबर के पिता का नाम उमर मिर्जा रहता है। PNB में मिले हुआ, ये कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने सारे टर्म ले लिए हैं। PNB में मिले हुआ, तो ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय होता है 1 अप्रैल 2019 में। 1 अप्रैल 2020 में बात करें तो ओरिएंटल बैंक हम कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक हम इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में होता है। सिंडिकेट बैंक का कैनरा में होता है। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक हम इंडिया में होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी कल पूछा गया था शायद, तो इसकी बेटियों के लिए बनाई गई है, जिसमें 1 से 10 साल की जो बेटियां होती हैं उनके लिए योजना होता है। वो 18 साल के पूर्ण होने पर उसका 50% राशि निकाल लिया जा सकता है उनकी शिक्षा के लिए, बाकी 21 साल कंप्लीट होने पर यह राशि निकाली जा सकती है। इसमें आपको 250 मिनिमम के साथ 12,500 रुपये महीने किस्त जमा कर सकते हैं इसमें। तो ये रहा आज के इंपॉर्टेंट वीडियो, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपका आगे वाले टाइम में एग्जाम है तो जरूर रिवीजन करिए। और पुराने वीडियो कल के वीडियो भी आप अपलोड है, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड करके उसको रिवीजन जरूर कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।